कहते हैं मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं और स्वर्ग के रास्ते पहाड़ों से होकर ही गुजरते होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत खूबसूरत और थोड़ा सा मुश्किल सफर। तो आज हमारे लिस्ट पर है लद्दाख के 5 बेस्ट ट्रेक्स। नंबर 1 चादर ट्रेक। लद्दाख के हसीन वादियों की एक ऐसी जगह जहां बर्फ से ढके हुए पहाड़ और शीशे जैसी चादर पर चलने का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। जम चुकी जंस्कार नदी पर बर्फ की चादर के इस ट्रेक को चादर ट्रेक का नाम दिया गया है। चादर ट्रेक भारत का एक रोमांचक और साहसिक ट्रेकिंग रूट है जिसे केवल सर्दियों में ही किया जाता है क्योंकि इस दौरान यहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ बिछ जाती है। यह पूरा पैदल ट्रेकिंग रूट लगभग 105 किलोमीटर का है। यहाँ रोजाना 15 से लेकर 17 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्रेक है जहाँ पूरी ट्रेकिंग नदी पर ही होती है। ट्रेकिंग की शुरुआत चिलिंग में सिंधु और जंस्कार नदी के संगम से शुरू होती है। चिलिंग के गाँव की खोज नेपाली तांबे के कारीगर ने की थी। कारीगर अब भी इसी गांव में रहते हैं और चिलिंग में होमस्टे चलाते हैं। सबसे प्रचलित रास्ता नायरक तक है जो कि 5 to 6 डेज का अनुभव है। नंबर 2 स्नो लेपर्ड ट्रेक। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क का ये ट्रेक उनके लिए है जो वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का शौक रखते हैं। हेमिस नेशनल पार्क हिमालय का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड ट्रेक 11 डेज का होता है। इस ट्रेक पर टूरिस्ट को ग्रुप्स में लाया जाता है। टूरिस्ट को प्रोफेशनल्स की टीम लीड करती है और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट स्टोकला पास है जो कि 4850 मीटर की ऊंचाई पर है। नंबर 3 स्टोक कांगड़ी ट्रेक। शानदार स्टोक कांगड़ी पीक 6153 मीटर्स की ऊंचाई पर लेह के दक्षिण में स्थित है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा एक खुली ट्रेकिंग चोटी घोषित की गई स्टोक कांगड़ी ट्रेक कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। शिखर से काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज के आश्चर्यजनक दृश्य देखे जा सकते हैं। साफ आसमान के दौरान केटू को भी दूर से देखा जा सकता है। 5 to 6 डेज के इस ट्रेक को शुरू करने के कई रास्ते हैं। इसे रुम्बक, माथो या स्टॉक से शुरू किया जा सकता है। स्टॉक गांव के अंत से इस ट्रेक की शुरुआत होती है। स्टॉक लद्दाख के शाही परिवार का भी घर है। ट्रेक की शुरुआत में 4890 मीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। स्टॉक कांगड़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए ट्रेकर का फिट रहना और अपने आप को मौसम के अनुरूप ढालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 4 शाम वैली ट्रेक। शाम वैली ट्रेक को लद्दाख में बेबी ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका कोई भी रास्ता 4000 मीटर से ऊंचा नहीं है। लद्दाख में ट्रेनिंग शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके पास समय कम है और जो पहली बार ट्रेकिंग कर रहे हैं। इसका रास्ता देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित हेमिस शकपचान गांव से होकर निकलता है। शाम वैली का पूरा रास्ता कारगिल और लेह के बीच स्थित रोड के उत्तर के हिस्से को काटता हुआ निकलता है। 3 to 5 डेज के इस ट्रेक के एंड पॉइंट पर लामायुरु मठ में घूमना ट्रेक का सबसे अट्रैक्शन पॉइंट होता है। नंबर 5 मार्खा वैली ट्रेक। मार्खा वैली लद्दाख क्षेत्र के सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। 5150 मीटर की ऊंचाई पर यह घाटी इस क्षेत्र की सबसे लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स में से एक है। लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध ट्रेकों में से एक मार्खा वैली की ट्रेकिंग दूर दराज की पहाड़ी दर्रों, विचित्र मठवासी बस्तियों और कांग याट्स पीक के सिलहट अल्पाइन घास के मैदानों से गुजरती है। 10 डेज के इस ठंडी रेगिस्तानी घाटी की ट्रेकिंग में ट्रेकर्स को जंस्कार और लद्दाख पर्वतमाला, कांगो याट्स और स्टांग कांगड़ी के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। इस ट्रेक का एक और रोमांचक हिस्सा मार्खा नदी है जिसे ट्रेकर्स को पार करना होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ सिलेक्टेड अमेजिंग ट्रेक्स ऑफ लद्दाख। होप यू ऑल लाइक्ड इट। इसी तरह हम सफर जारी रखेंगे तो मिलते हैं कुछ और ड्रीम डेस्टिनेशंस में। नमस्कार।